लोग, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आ गई हूँ मैं लव डेस्टिनी का नेक्स्ट पार्ट लेकर। तो स्टार्ट करते हैं हमारी ये वीडियो। पर मैंने क्या किया है? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। वाह रियली, ये तुम पूछ रही हो कि तुमने क्या किया? तुम्हें अच्छे से पता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैंने तुम्हें कन्फेस किया है और तुम्हारी जवाब का इंतजार कर रहा हूँ। इसके बाद भी मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा क्योंकि मुझे लगता है मुझे तुम्हें टाइम देना चाहिए, लेकिन तुम मेरी फीलिंग्स की कदर नहीं कर रही हो। मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया तुम्हें देखने के लिए क्योंकि मैं तुम्हें देखना चाहता था और तुम मेरी फीलिंग्स को टाइम वेस्ट कह रही हो। पता है क्या, मैं कल से कितना परेशान हूँ तुम्हारे बारे में सोचकर, हमारे बारे में सोचकर। लेकिन तुम्हें क्यों कुछ फर्क पड़ने वाला है? क्योंकि तुम्हें मेरा प्यार नज़र ही नहीं आ रहा है। तुम्हें इस रिलेशनशिप में शायद आना ही नहीं है और गलती शायद मेरी है। गलती मेरी है जब मुझे यूनजुन ने कहा था कि तुम सिर्फ प्ले करती हो, और वो शायद सही था क्योंकि तुमने मेरे साथ भी वही किया है। और तुम्हें क्या लगता है, तुम इकलौती इस दुनिया में इतनी प्रेटी लड़की हो, तुमसे बहुत कुछ। स्टॉप इट जंको, जस्ट स्टॉप। तुम्हें पता है कि तुम क्या कह रहे हो? ये गलती तुमने पहले भी की थी, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। पर जंको, मैं बार बार एक चीज़ को माफ़ नहीं कर सकती। और तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? मैंने तुम्हारे साथ प्ले किया है तो तुम और ये क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें कहा कि तुम अपना टाइम ले सकती हो, लेकिन जब तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुम मेरी फीलिंग्स का मजाक नहीं बना सकती थे। जंको, तुम ये क्या कह रहे हो? तुम इतनी छोटी सी बात को कहाँ लिए जा रहे हो? मैं तुम्हारी फीलिंग्स का मजाक नहीं उड़ा रही हूँ। मुझे तो लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, कहीं का गुस्सा तुम कहीं पर उतार रहे हो। ओह, मेरा दिमाग खराब हो गया? ते मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ, मेरा दिमाग अब जगह पे आ रहा है जो कल जगह पे चला गया था। थैंक यू मुझे सच्चाई दिखाने की कि मैं गलत था। गलती मेरी है कि मैं तुम्हारे इस इनोसेंट से फेस पर उलझ कर रह गया। तुम्हें तो शुक्र मनाना चाहिए कि मैं, जिस पर कॉलेज की आधे से ज़्यादा लड़कियां मरती हैं, वो उसने तुम्हें प्रपोज किया था। पर यू नो व्हाट, तुम्हें बहुत ज़्यादा ही तकब्बुर है। जंको जस्ट शट अप। मुझे नहीं पता कि तुम्हें क्या हुआ है और ना ही अब मुझे जानना है। तुम पर कॉलेज की आधा से ज़्यादा लड़कियां मरती हैं ना, तो फिर उन्हीं के पास जाओ। मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ के नहीं रखा हुआ है। एंड हाँ, मुझे आइंदा से बात करने की ज़रूरत नहीं। और दूसरी तरफ जिमिन तो पूरे कॉलेज में नहीं है, क्या वो घर चली गई? एक बार घर जाकर देखना चाहिए मुझे। अरे दरवाजे पर लॉक नहीं है, यानी कि जिमिन घर पे ही होगी क्योंकि ते तो अपने डांस क्लास में गई है पार्टी के लिए। पर मुझे जिमिन से पूछना होगा मुझे छोड़ के क्यों आ गई। यस मॉम, मैं शादी के लिए रेडी हूँ। ओ जिमिन बेटा, तुम्हें पता भी नहीं कि तुम्हारे इस फैसले से मैं कितनी ज़्यादा खुश हूँ। अरे शुगा बेटा, तुम यहाँ, तुम बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आओ ना प्लीज। नो आंटी, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम है, बहुत इम्पोर्टेंट, बाद में मिलता हूँ, टेक केयर। अरे इसे क्या हुआ, अभी तो आया और अभी चला भी गया। मॉम देखो, ढूंढने आया होगा, ते नहीं थी तो चला गया। ओ हाँ, ते कब तक आएगी जिमिन? तुमने पुकारा और हम चले आए। मॉम वेलकम होम, आई मिस यू सो मच। मम्मा आई मिस यू सो मच। हाँ हाँ मेरी ड्रामा क्वीन, आई मिस यू टू। वैसे आप लोगों ने मेरे बिल्लू से कुछ कहा शुगा से? नहीं तो क्यों? एक्चुअली जब मैं आ रही थी तो मैंने शुगा को जाते हुए देखा, मैंने उसे आवाज़ भी दी पर उसने मेरी आवाज़ सुनी। उसने शायद तुम्हारी आवाज़ सुनी नहीं होगी थे, वरना क्यों तुम्हें इग्नोर करेगा। हाँ ये भी सही है, वैसे मैं फ्रेश होकर आती हूँ, उसके बाद हम साथ मिलकर डिनर करेंगे। और दूसरी तरफ जंकुक, डैड मैं इस शादी के लिए रेडी हूँ। व्हाट रियली? जी डैड, मुझे लगता है कि आप मेरी लाइफ का डिसीज़न मुझसे ज़्यादा बेहतर ले सकते हो क्योंकि आपको पता है मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत।
ओ जंकुक, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे इस डिसीजन से मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ। ओके, तो हम कल ही मिसेस किम के घर जाएंगे और जल्दी से जल्दी एंगेजमेंट की डेट फिक्स कर लेंगे। ओके डैड, आपको जैसा ठीक लगे, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। छीनू, देखो हमारा लड़का कितना मैच्योर हो गया है, उसने आखिर मेरी बात समझ ली कि मैं उसका भला चाहता हूँ। तुम्हें लगता है कि जंकुक खुश है? ऑफ कोर्स, वो खुश क्यों नहीं होगा, पर तुम्हें पता है मिसेस किम की बेटी बहुत प्रिटी है। क्यों सोच रहा है जंकुक, तू क्यों सोच रहा है? तुझे उसके बारे में नहीं सोचना, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुझे तुझे मूव ऑन करना पड़ेगा जंकुक, मूव ऑन करना पड़ेगा। तुझे उस पर्सन के बारे में नहीं सोचना जिसे तू प्यार करता है, क्योंकि उसे तेरी कोई फिक्र नहीं है। तुझे उन लोगों के बारे में सोचना है जो तुझसे प्यार करता है, और जो तुझसे प्यार करते हैं इसलिए तुझे भी उसकी खुशी के लिए करना पड़ेगा ये। और जब तुम मुझसे प्यार नहीं करती तो मुझे भी आगे बढ़ना पड़ेगा। Timescaped at dining table. वैसे मॉम, आपने मुझे बताया नहीं कि आप अपने काम को आधा छोड़कर यहाँ कैसे अचानक से चले आए? ओके जिमिन, ये खुशखबरी तुम देखो सुनाने वाली हो या मैं बता दूँ? देखो वट, ये बात जिमिन से रिलेटेड है। यस दे, ये बात जिमिन की है। ओके जिमिन, तू अब जल्दी से बता कि ये बात क्या है। दे वो ओके लिसन, मैं बताती हूँ। एक्चुअली जिमिन ने शादी के लिए हाँ कर दी है, और गुड न्यूज ये है कि कल ही लड़के वाले इसे देखने आ रहे हैं। जिमिन, क्या सच में तुमने हाँ की? देख, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? क्या जिमिन किसी और को पसंद करती है? नो मॉम, वह किसी और को पसंद नहीं करती। अगर करती तो फिर आपको देखो जरूर बताती ना। अगर मैं किसी को पसंद करती तो फिर मैं शादी के लिए हाँ क्यों करती? जिमिन, क्या शुका घर आया था? यस दे, तुमने देखा तो था ना शुका को बाहर? हाँ, और जब मैं जिमिन से बात कर रही थी तभी तो शुका आया था, और मेरी जब उस पर नज़र पड़ी मैंने उसे कहा कि वो अंदर आए। पता नहीं, उसने कहा कि उसे बहुत इम्पोर्टेंट काम है और अचानक से चला गया। इसका मतलब है कि शुगा ने ये सब बात सुन ली, इसीलिए वो अपसेट होकर यहाँ से चला गया। ओके मॉम, मेरा डिनर हो गया, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। एंड जिमिन, मुझे तुमसे इम्पोर्टेंट बात करनी है और वो मैं कल सुबह करूँगी। गुड नाइट। ओफो, ये शुगा मेरा कॉल पिक क्यों नहीं कर रहा? ये सारी की सारी जंकुक की गलती है। शुगा कितना अपसेट है, मतलब जंकुक ने मुझे वहाँ पर बुलाया और मुझसे लड़ाई करने लगा, वो भी छोटी सी बात पर जिस पर मेरी कोई गलती भी नहीं थी, जिसकी वजह से मैंने शुगा पर ध्यान भी नहीं दिया कि जब से हम कॉलेज से वापस आए उसने मुझे टेक्स्ट किया नहीं कॉल, और वो जंगो उसने भी मुझे अभी तक कोई मैसेज नहीं किया नहीं कोई कॉल। वो सच में मुझसे बहुत ज़्यादा गुस्सा है, पर मैंने तो कुछ भी नहीं किया ना। मैंने तो बस इतना कहा कि टाइम वेस्ट हो रहा है, वो भी बस मजाक पर, और वो सीरियस होकर मुझे क्या क्या कहने लगा। शायद मुझे काम रहना चाहिए था, गलती मेरी है, मैंने कुछ ज़्यादा ही गुस्सा कर लिया। हो सकता है उसका मूड खराब हो और मैंने कुछ ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट कर दिया। मुझे जंकुक से कल सॉरी कहना पड़ेगा। हो सकता है वो किसी बात से टेंशन में हो, और मुझे ये बताना पड़ेगा कि मैंने उसकी फीलिंग्स का मजाक नहीं उड़ाया। मैं उसकी फीलिंग्स का मजाक कैसे उड़ा सकती हूँ जबकि मेरे दिल में भी उसके लिए सेम फीलिंग है। मुझे कहना पड़ेगा कि सिर्फ वो मुझसे प्यार नहीं करता बल्कि मैं भी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। और जिमिन, क्या जिमिन सच में शादी के लिए मान गई है? अगर मान भी गई है तो उसे बताना पड़ेगा कि शुगा उससे प्यार करता है, और शुगा से बेटर उसके लिए कोई भी नहीं हो सकता। दूसरे दिन, जंकुक, यू लुकिंग सो हैंडसम माय बॉय, थैंक यू सो मच डैड। ओके लेट्स गो, वरना हमें देर हो जानी है। चलते हैं हम जल्दी। ओके आर्मी, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। तो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़। सारेंगे।